पैसे के बिस्तर पे सोता हो, सोने की कार से चलता हो, लेकिन खाएगा तो अनाज ही ना, खाएगा तो रोटी, और वो रोटी वो खरीद के खाता हो या चाहे जैसे खाता हो, लेकिन वो रोटी उगाता कौन है? वो रोटी तो यही लोग उगाते हैं ना, यही किसान उगाते हैं। आमदनी इतनी हो रही है, ऊपर से नीचे गिर गए, आज हम आसमान से आए और नीचे गिर गए, और नीचे आकर बम विस्फोट हो गया। हमें मोदी जी ने हमारे संग में ऐसा करा, बहुत बढ़िया वाला व्यवहार करा, जिसे आज हम यहाँ रो रहे हैं। दस में हर साल कर्जदार होना पड़ता है, दो पैसे आमदनी नहीं है, हर दर बैंक की फर्ज छपी पड़ी है, हर साल कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, निकल नहीं पा रहा है। कैसे मान जाए हम कि हम पे हमें कुछ बचता है? मुनाफा नहीं हो रहा, मुनाफा नहीं होती, गुजर होती है, केवल रोटी मिल जाती है और मुनाफा नहीं हो पा रही है, वो कर्जा नहीं निकल पाया जो बैंक से लिया है। मतलब क्या उन्हें भूखे मारे लग जा, धान बेचते हैं वो 1100 में 900 में धान बिकता है, गेहूँ है तो उसको पूछता नहीं, बेच लटेरे पड़ जाते हैं 5-15-20 किलो वो भी से ले जाते हैं। हमारे पहले तो कुछ पड़ता ही नहीं है, 10 किलो तो इसका दलाल लेता है, जब हम लोग धान तलवाते हैं, गेहूँ तलवाते हैं, 10 किलो तो इसके दलाल का बंधा हुआ है। और जब से किसान गिरता ही गया है, मरता ही गया है, और हमारी माँ और बहनों पर जो दाम थे 100, 200, 500 रुपये, वो भी मोदी ने निकलवा लिए, अब रोती हैं, दुखी हैं, अपने मायके नहीं जा सकती, वो स्थिति है। आमदनी दो पैसे हो ही नहीं, जब से उन पर भी जो दाम थे 100, 200, 500 रुपये, वो भी निकलवा लिए। इस वक्त हम लोग गाजीपुर बॉर्डर पर हैं, और यहाँ से महज थोड़ी दूर लाल किला है, और वहाँ पर इस देश की आज़ादी का 75वें साल का जश्न मनाया जाने वाला है। अब आप सोचिए कि पहले इन किसानों को देखिए, जैसा कि बहुत बार कहा जाता है, ये देखिए, इनको देखिए, ये कहाँ से, कितनी ज़मीन है आपकी है? कितनी ज़मीन है आपकी, ज़मीन जायदाद कितनी है? ज़मीन है 10 बीघा। 10 बीघा, कितना उससे आमदनी हो जाता है साल भर में? आमदनी का है जाता है, अपन पेटी पलते हैं, 4 बालक 4 पशु, और आमदनी का है जाएगी, मतलब घर चल जाता है, इतना हो जाता है। हाँ, घर भी चल जाता है, ना चलते मजूरी कर लेते। मतलब आप लोगों की आमदनी जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो पा रही है, और चाहिए आमदनी, बढ़नी चाहिए, ये कहना चाह रहे हो? अरे बढ़नी का चाहिए, जो शासन में काम है सो सही, जो मजूरी है वो है, पहले कोई परेशानी तो ना आई, अब तो खेती परेशानी चल रही है, कोई एक अभी एक है कि साल भर की खेती है, और गांव को कोई पैसा मिले तो साल भर में तो कोई परेशानी परेशानी है। साल भर की मतलब ऐसी फसल बोते हैं आप लोग जो साल भर में तैयार होती है? पैसा साल भर में मिलेगा गांव को। किस चीज़ की खेती करते हैं आप? गन्नों की खेती है रही है, मूजी धानू है रहे, गेहूँ है रहे, बायरू है रहे। साल में एक बार पैसा मिलता है, ये कहना चाहिए? अरे साल भर में पैसा गन्ना को ना मिलो। हाँ, तो ये देखिए, साल भर तक इनको गन्ना का जो पेमेंट है वो नहीं मिला है। ये इन लोगों के बारे में बहुत सारी बातें बताई गई, किसानों के बारे में मीडिया में इन 6-7 महीनों में जब से आंदोलन चल रहा है, तब से बहुत सारी बातें आप लोगों के बारे में बताई गई। आप ये बताइए, आपकी खेती से आमदनी कितनी हो जाती है? खेती से हमें तो परिवार से लगा में ना, तो हर साल कर्जदार होना पड़ता है, दो पैसे आमदनी नहीं है, हर दर बैंक की फर्ज छपी पड़ी है, हर साल कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, निकल नहीं पा रहा है। कैसे मान जाए हम कि हम पे हमें कुछ बचता है? मुनाफा नहीं हो रहा, मुनाफा नहीं होती, गुजर होती है, केवल रोटी मिल जाती है, और मुनाफा नहीं हो पा रही है, वो कर्जा नहीं निकल पाया जो बैंक से लिया है। 7 साल में मोदी सरकार आई है, 2022 आने में बस अब कुछ ही महीने बचे हुए हैं, तो कुछ तो आमदनी बढ़ी होगी ना? आमदनी गिरी है 14 के बाद में, नोटबंदी वही का है, जब से किसान गिरता ही गया है, मरता ही गया है, और हमारी माँ और बहनों पर जो दाम थे 100, 200, 500 रुपये, वो भी मोदी ने निकलवा लिए, अब रोती हैं, दुखी हैं, अपने मायके नहीं जा सकती, वो स्थिति है। आमदनी दो पैसे हो ही नहीं, जब से उन पर भी जो दाम थे 100, 200, 500 रुपये,
वो भी निकलवा लिए। आपकी कितनी खेती है? मेरी खेती 52 बीघे। कितनी कमाई हो जाती है? कुछ भी कमाई ना, बैंक में देते रहो, कर्ज बंद हो जाओ, कुछ भी कमाई नहीं, कमाई ना कुछ भी, ये तो अपना खन्नापुर से चल रही है बस, कुछ कमाई नहीं। 52 बीघे होने के बाद भी कमाई नहीं हो पा रही? कुछ भी कमाई नहीं, बापना कहना भल की तरह जुत रहे बस वो खेतों में, यो कमाई है। तो जिनके 4-5 बीघा होगा उनकी क्या हालत होती होगी फिर? तो किसी निकाल के भैया पूर्ति कर रहे बालकों की, जिनकी 4-5 बीघा छोटी खेती नहीं है, मजदूरी कर रहे जाके सड़कों पर जाके, जो सड़क बन रही है ना इनकी, ये इस पर जाके किसान मजदूरी कर रहा, और जो अपना बालकों का जो फीस का खर्चा हो गया, अपना वैसा खाने पीने का खर्चा हो गया, उसे तो क्रेडिट, किसान क्रेडिट कार्ड है ना, उसे निकाल के अपनी फीस वीस जमा कर रहे बच्चों की, खाद इतना महंगा हो जाती है, आपकी हो जाती है कुछ आमदनी? आमदनी इतनी हो रही है, ऊपर से नीचे गिर गए आज हम, आसमान से आए और नीचे गिर गए, और नीचे आके बम विस्फोट हो गया हम में। मोदी जी ने हमारे संग में ऐसा करा, बहुत बढ़िया वाला व्यवहार करा, जिसे आज हम यहाँ रो रहे हैं। 10-11 महीने हो गए सुनवाई नहीं करे मोदी जी, इन्हें इतना घमंड है मोदी जी को। अरे भाई अगर ऐसा, अगर हमसे कोई गलती हो जावे, रात को हमें नींद नहीं आएगी, 4-6 जनों पकड़ेंगे मोहल्ला को और पकड़ेंगे, भाई किसी तरह का फैसला करवा दो, हमसे गलती हो गई। मोदी जी को कतई गलती का एहसास नहीं हो रहा है, इन्हें बहुत भारी घमंड है। आज देख लो हमारे कितने बुजुर्गों इसी रोड पे, इसी धरने में कितने शहीद हो गए, मोदी जी की आंखों में एक भी आंसू नहीं आया। और जगह बाई जगह पेट्रोल पंपों पर मोदी जी के फोटो लग रहे हैं, होटल्स में हंस रहे हैं, हंस किसानों को संदेश दे रहे हैं, बहुत बढ़िया वाला, देखो मैंने कितना कर दिया। आज हमसे ट्रैक्टरों में डीजल नहीं पड़ रहा, जमीन नहीं जुत रही, 100 रुपये लीटर के मर है। पहले हम डीजल भर ले ट्रैक्टर में, टंकी में जमीन को जोतते, जब ट्रैक्टर घूमना बंद हो जाए, जब जाकर रोका करे, मैंने अब जमीन हो गई तैयार, अब जमीन नहीं जुत रही। आज इतना किसान परेशान है, वैसा कह रहे हमने साथ सरकारी टोल लगवा दी, हमने सरकारी टोल लगवा दी, आज 1500 की गेहूँ है। इन्होंने एक महीने के लिए इन्होंने डेला फेंका, हम किसानों के लिए सरकारी लेवी लगा रहे हैं, सरकारी लेवी इन्होंने 30 दिन लगाई, 30 दिन में इन्होंने 20-15 दिन टोल करी, आज कांटा खराब है, आज टोल नहीं है, आज बारदाना नहीं है, इन्होंने ये ढंग कर दिया। अगर इनकी सरकारी टोल होती तो आज किसान क्यों रोता? आज 1500 को 1400 को गेहूँ रोजगारी ले रहे हैं, कोई गेहूँ खरीदने के लिए तैयार नहीं हो रहा। जो एक नरेटिव बनाया गया कि किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी, किसानों की जीवन में खुशहाली आएगी, वो आज स्थिति है देश में, देखिए। और 75वां हम लोग साल आज़ादी का मनाने जा रहे हैं, जश्न मनाने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से भाषण देंगे, लेकिन उसके बाद भी देखिए देश को आज़ाद हुए 75 साल हुए, इस देश में बहुत सारे अच्छे काम हुए, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिली, सबकी ज़िंदगी में परिवर्तन हुआ, किसानों की भी ज़िंदगी में परिवर्तन हुआ। लेकिन कुछ तो है कि किसान अभी तक घाटे में चल रहे हैं, वो क्या चीज़ है? उस चीज़ की पड़ताल सरकार को करनी चाहिए। और जहाँ तक रही बात इस आंदोलन की, इस आंदोलन से जुड़े हुए लोगों की और इनसे जुड़े सवालों की, वो तो आप देख ही रहे हैं इतने महीनों से। मैं बस आपको आज ये दिखाना चाह रहा था कि आप भी देखें और जानें कि जिन किसानों के बारे में आप कहते हैं कि ये सब सारे अमीर हैं, बहुत पैसे वाले हैं, पिज्जा खाते हैं, उन किसानों को एकदम लाइव मैंने दिखाया है, इसमें कुछ भी कट नहीं है। मैंने बातचीत शुरू की, जो जो मिला उससे बात करता गया और आपको दिखाया एक सैंपल साइज 4-5 लोगों का कि किस तरह की स्थिति है। बेशक कुछ किसान इसमें ज़्यादा खेती वाले होंगे, लेकिन चाहे खेती ज़्यादा हो चाहे कम हो, खेती से जो मुनाफा होना चाहिए, जिस हिसाब से आमदनी होनी चाहिए, वो किसी की नहीं हो रही है। 52 बीघे वाला किसान भी कर्ज में है, 6 बीघे वाला किसान भी कर्ज में है और 10 बीघे वाला किसान भी कर्ज में है। तो इसका मतलब ये तो है कि, और देखिए दूसरी तरफ आप सरकारी खरीद के बारे में भी आपने सुना कि किस तरह से जो सरकार दावा करती है कि वो सरकारी खरीद कर रही है और उस ड्यूरेशन में सबका अनाज नहीं बिक पाता, तो जो सरकारी खरीद का दाम होता है उससे 200-300-400 सस्ते प्रति क्विंटल पे ये लोग अपना
अनाज बेचते हैं, जो भी सीजनल होता है, चाहे वो धान हो चाहे वो गेहूँ हो। तो ये है स्थिति इस समय पूरे देश में, और ये सब कुछ चल रहा है। देश के किसान, आप ये बात सोचिए ना, आप ये बात सोचिए, चाहे मैं हूँ, आप हो, इस दुनिया का कोई भी हो, कितना भी अमीर हो, चाहे वो पैसे के बिस्तर पे सोता हो, सोने की कार से चलता हो, लेकिन खाएगा तो अनाज ही ना, खाएगा तो रोटी, और वो रोटी वो खरीद के खाता हो या चाहे जैसे खाता हो, लेकिन वो रोटी उगाता कौन है? वो रोटी तो यही लोग उगाते हैं ना, यही किसान उगाते हैं। आप अगर आपको लगता है कि आपके पास पैसे हैं तो आप बहुत खुश हो जाओगे, आप खरीद लोगे, खा लोगे, मैं कह रहा हूँ जब पैदा ही नहीं होगा तो खाओगे कैसे? पैसा थोड़ी खाओगे आप, सोना थोड़ी खाओगे, गाड़ी नहीं खा पाओगे आप। तो जो पैदा कर रहा है, अगर वो इस स्थिति में है कि 8 महीने से वो आंदोलन कर रहा है, तो आप सोचिए कि क्या स्थिति है। और जो लोग कह रहे हैं कि ये आंदोलन पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और इस आंदोलन का मकसद कोई पॉलिटिकल मकसद है, उनको इस आंदोलन में आना चाहिए। और उन किसी से भी आप बात कर लीजिए, 8 महीने कोई अगर घर छोड़कर सड़क पर रहता है तो क्या आपको लगता है कि वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड होगा? पॉलिटिकली आप किसी को राजनीतिक रूप से भड़का के कितने दिन तक घर से सड़क पर रख लेंगे? 8 महीने तक रख पाएंगे? तो ये सवाल जो, और इस तरह की जो बातें हैं वो कहीं से भी लॉजिकल नहीं है, कहीं से भी हजम होने वाली बातें नहीं हैं। अगर आपको लगता है कि भाई जो इन किसानों के बारे में बोला जा रहा है वो सही है, तो मेरा ये पर्सनल कहना है उन सारे लोगों से जो लोग ये मानते हैं कि ये किसान नहीं हैं, ये सारे लोग बहुत अमीर हैं, पैसे के चक्कर में यहाँ हैं, दारू मुर्गा के चक्कर में हैं, वो लोग यहाँ आएँ और देखें एक बार, टीवी और अखबार के बजाय वो लोग अपनी आँखों से देख कर जाएँ कि दरअसल जो लोग यहाँ 7-7, 8-8 महीनों से रह रहे हैं वो कौन लोग हैं और क्यों रह रहे हैं वो। चाहे वो 50 बीघे वाला किसान हो, चाहे 10 बीघे वाला किसान हो, चाहे 6 बीघे वाला किसान हो, सभी किसान इस समय घाटे में चल रहे हैं, उनकी कोई आमदनी नहीं है। 50 बीघे वाला भी कर्ज में है, 16 बीघे वाला भी कर्ज में है, और 10 बीघे वाला कर्ज में है। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि खेती से आमदनी नहीं हो पा रही है। और जो बात हुई थी कि किसानों की आमदनी दोगुनी करेंगे, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, स्वामीनाथन आयोग जो एक बहुत बड़ा आयोग था, बहुत बड़ी रिसर्च करके उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी कि कैसे किसानों की आमदनी बढ़ाई जा सकती है, उस रिपोर्ट पे काम करने के बजाय आप ऐसा बिल लाते हैं जिसके बारे में किसानों को कुछ पता नहीं, ना किसानों ने उसकी मांग की है। किसान स्वामीनाथन आयोग की बात करते हैं, उसके रिपोर्ट को लागू करने की बात करते हैं, और आप उनको ये काला इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ तो काला है ना। अगर किसान, आप देखिए मीडिया लगातार ये कहती है कि किसान बात नहीं कर रहे हैं सरकार से, मैं कह रहा हूँ कि जिस बात के लिए किसान यहाँ धरना दे रहे हैं कि ये तीनों कानून वापस हों, अब अगर सरकार यही कह देगी कि ये वापस नहीं होगा, आप बात कर लो, तो फिर वो बात क्या करेंगे, किस मुद्दे पर बात करेंगे? आप पहले ही जिस चीज़ को डिनाई कर दे रहे हो तो फिर वो बात करने क्या जाएंगे, हालचाल पूछने तो जाएंगे नहीं मंत्री जी से। तो ये कहना कि किसान बात नहीं कर रहे हैं ये बहुत ही गलत बात है। आप ये कहिए ना कि आप दरवाज़ा बंद कर दे रहे हैं, फिर कह रहे हैं भाई साहब आप तो अंदर ही नहीं आए थे, आप दरवाज़ा खोलिए, जिसको आना होगा वो आएगा, दरवाज़ा बंद कर दीजिए, बाहर से ताला लगा दीजिए, और कहिए कि अरे आप तो हमारे घर आए नहीं, हम तो अंदर थे। तो ये बहुत ही बेतुका सा लॉजिक है, और ये बहुत ही बेतुकी सी बात है कि आप कहें किसानों से कि किसान ही बात नहीं कर रहे हैं। सरकार बातचीत के रास्ते तो खोले, जिस बिल की किसान बात कर रहे हैं उस बिल पे बातचीत करने के लिए तैयार हो। तो ये पूरी बातचीत है, और ये देखिए ये स्थिति है, ये दिखा दीजिए ट्रॉली में कैमरामैन, ये देखिए ये ट्रॉली में सो रहे हैं लोग, अभी भी देखिए ये गद्दा उद्दा पड़ा हुआ है, और ये सब चीज़ें जो भी उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, ये देखिए ये बर्तन धुला जा रहा है यहाँ पर, देखिए ये अभी भी यहीं खाया जा रहा है। ये बर्तन अमीरी की निशानी है, देखिए गौर से इसको, ये अमीरी की निशानी है ये बर्तन। अनिल अंबानी के घर में इस बर्तन में खाना बनता है, आपको दिखा रहा हूँ मैं। आज़ादी का हम लोग 75वां साल मनाने जा रहे हैं, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि पूरा देश देखे
कि जिस किसान आंदोलन को लेकर इतनी सारी बातें बनाई जा रही हैं, उस किसान आंदोलन की हकीकत क्या है? सोचिए आप, अभी तक मैं चलता चला आया, अभी तक ये आंदोलन ख़त्म नहीं हुआ। अभी तक ये देखिए, लोग यहाँ पर हैं, खाने पीने की तैयारी चल रही है, शाम का वक्त है, देखिए स्थिति क्या है। आइए और दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए। अब हम लोग इस आंदोलन के बीचों बीच आए हैं, जहाँ पर ये मंच लगा हुआ है। ये देखिए, ये वो मंच है। और देखिए, भारत का संविधान, संविधान की बात हो रही है यहाँ पे। हर समस्या का मुकम्मल समाधान हूँ मैं, भारत का संविधान। ये भारत का संविधान है। भारत का संविधान इस देश के प्रत्येक नागरिक को गरिमा से जीवन जीने का अधिकार देता है। और गरिमा से जीवन जीने का मतलब होता है कि उसके लिए सरकार रोजी रोटी के साधन मुहैया करवाए, स्वास्थ्य और चिकित्सा और उसकी शिक्षा का इंतजाम करवाए। लेकिन आप देखिए इस समय देश में हालत, आप समझिए इस चीज़ को, आप इस पूरे खेल को समझिए कि किस तरह से इस देश के लाखों लोग इस समय सड़क पर हैं। और मुझे नहीं पता कि प्रधानमंत्री अपने भाषण में किसानों का जिक्र करेंगे या नहीं, लेकिन अगर प्रधानमंत्री इस देश के लोगों के बारे में सोचते होंगे तो वो जिक्र ज़रूर करेंगे। और पिछली बार की तरह किसानों को आंदोलनजीवी कहकर उनको बदनाम नहीं करेंगे, उनके इस आंदोलन को बदनाम नहीं करेंगे, उनका मजाक नहीं बनाएंगे। प्रधानमंत्री को आकर देखना चाहिए ना, प्रधानमंत्री ने अपना प्रतिनिधिमंडल भेजा, किसी को भेजा प्रधानमंत्री जी ने कि जाओ देखकर आओ कि ये किसान हैं कौन? कुछ भी किया ऐसा प्रधानमंत्री जी ने या सरकार ने? सरकार का ही कोई नुमाइंदा आके चेक करके जाए और पता करके एक रिपोर्ट दे सरकार को कि ये लोग किसान नहीं है, तो फिर कौन है? ये हवा हवाई बातें और टीवी स्टूडियो में चार प्रवक्ता बैठा कर किसानों को गाली दिलवाना, ये सरकार को शोभा नहीं देता। सरकार की ऐसी भाषा नहीं होनी चाहिए। अगर सरकार को लगता है कि ये किसान नहीं है, इनका आंदोलन झूठा है, तो सरकार अपने लोग भेजें, वो आए यहाँ जाँच करें, रहें कुछ दिन किसानों के साथ। मैं तो कहता हूँ 10-20 दिन रह कर जाएं, तब तो पता चलेगा सच्चाई। टीवी के माध्यम से आप पूरे देश को कुछ भी बोलेंगे, फिर इधर से लोग कुछ भी बोलेंगे, तो ये बयानबाजी से देश थोड़ी आगे बढ़ता है। देश आगे बढ़ता है नीतियों से, स्पष्ट नीतियों से। आप सीरियस तो होइए किसानों को समस्याओं को लेकर। और अगर आपको लगता है कि इन लोगों की समस्या जायज़ नहीं है, तो आप जाँच करवाइए। आपके पास तो सारी एजेंसियाँ हैं, बहुत सारे लोग हैं, सेक्रेटरी हैं, मंत्री हैं, नेता हैं, आप उनको भेजिए यहाँ। लेकिन हवा हवाई बातें नहीं होना चाहिए। आप किसानों को इस तरह नहीं कह सकते, ये इस देश के अन्नदाता हैं और इन्हीं अन्नदाताओं को आप भी कहते हैं, आप भी प्रेज करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी, आप इनसे आके मिलिए तो। आप कहते हैं मैं एक गरीब माँ का बेटा हूँ, तो ये कौन है? ये किसी माँ के बेटे नहीं हैं क्या? इनके बेटे नहीं हैं? इनकी माँ नहीं है? यहाँ पर जो किसान आए हुए हैं, यहाँ पर जो नौजवान आए हुए हैं, ये किसी गरीब माँ के बेटे नहीं हैं? कौन हैं ये लोग? ये कहाँ से अमीर लग रहे हैं? क्या ये इनके हाथ में ऐसा क्या है बताइए ना? ये सोना चांदी पहने हुए हैं, लोहे के कड़ा पहने हैं। क्या क्या कितनी आमदनी हो जाती होगी आपकी साल भर में? आमदनी क्या होनी, भूखे मारे लग जा, धान बेचते हैं वो 1100 में, 900 में धान बिकता है। गेहूँ है तो उसको पोहता नहीं, बेच लटेरे पड़ जाते हैं, 5-15-20 किलो वो भी ले जाते हैं। हमारे पहले तो कुछ पड़ता ही नहीं है। 10 किलो तो इसका दलाल लेता है, जब हम लोग धान तलवाते हैं, गेहूँ तलवाते हैं, 10 किलो तो इसके दलाल का बंधा हुआ है, और तब तोलता है जब हमारे लोगों से तकोनिया में तय कर लेता है, तो तब हमारा तोल लगता है कि कितना हमको दोगे, और तब हम तोलेंगे 10 किलो प्रति अपना क्विंटल के पीछे तय कर लेता है। और ये हमारे लोगों का इतनी आमदन होए तो हमारे सब जितने बैंक के हैं वो कर्जे से हैं, और क्या हमारे लोगों के ऊपर जो हमको हम तो नहीं, तो हमारे लोगों के ऊपर कर्जा क्यों इतना हो जाए? और कोई बैंक हमारा देखिए, इलाहाबाद बैंक देखिए, हमारा ये सेंटर बैंक देखिए, और हमारा जिला सरकारी देखिए। तो क्या आपको खेती से फायदा हो रहा है? कोई फायदा नहीं हो रहा, हम घाटे में जा रहे हैं, खेती में कोई फायदा नहीं। पेट्रोल देखिए क्या रेट में है,
और डीजल क्या रेट में है, और गन्ने का रेट कम से कम भी 7 साल लागत आप लोगों की लगती है फसल में, उस हिसाब से आपको कुछ नहीं मिला। देखिए 7 साल हो गए मायावती ने हमारा रेट गन्ने का बढ़ाया था, और ये क्या ये उससे कमजोर है मोदी जी? क्या ये रेट नहीं बढ़ा सकते? इसकी तो पूरी हुकूमत है, पूरी सरकार है इसकी, क्या ये क्यों नहीं रेट बढ़ा सकते? उसकी तो कोई नीचे ऊपर कांग्रेस थी, नीचे मुलायम सिंह था, तो उसी ने भी हमारा रेट जो है बढ़ा दिया था, तो इसने तो हमारा 5 रुपए रेट नहीं बढ़ाया। और तो बताओ क्या करो, आमदन हमको कहाँ से आ जाएगी? जो मजदूरों की है चलाई, तो ये स्थिति है देश में। हम आज़ादी का 75वां साल का जश्न मनाने वाले हैं, और हम लोगों ने बहुत तरक्की की है इस देश ने, हम चाँद तक गए हैं, हमने बहुत कुछ किया, हमने एजुकेशन में बहुत काम किया, हमने हेल्थ में बहुत काम किया, हमने नौकरी रोज़गार में बहुत काम किया, कृषि क्षेत्र में भी हम हरित क्रांति के माध्यम से देश को भूखमरी से निकाल कर लाए, हमने काम किया, हम बहुत आगे हैं आज भी हम सॉरी माफ़ कीजिएगा मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, हम मंगल ग्रह तक जा रहे हैं, हम नए नए रिसर्च कर रहे हैं, नए नए खोज कर रहे हैं, लेकिन कुछ तो है ना, कि कुछ तो गड़बड़ है, और वो जो गड़बड़ है जिसकी वजह से देश का किसान आज कर्ज में है, उसको ठीक किया जाना चाहिए, और वो ठीक टीवी पर बयानबाजी करने से नहीं होगा, उसके लिए स्पष्ट नीति बनानी पड़ेगी। उसके लिए आपको लगता है कि कृषि बिल सही है, तो आप जहां बीजेपी के राज्य हैं वहां पे इसको लागू करवा के पायलट प्रोजेक्ट देख लीजिए 2 साल, और उसके फायदे किसानों को बताइए। भाई आप एक एग्ज़ाम्पल तो सेट कीजिए कि हाँ भाई देखिए हमने एक एग्ज़ाम्पल सेट किया, इस बिल से कितना फ़ायदा हो रहा है किसानों को। आप एक अच्छा डाटा रखिए देश के सामने, आप एक पायलट प्रोजेक्ट चलाइए, जहाँ पे आपकी सरकार है वहाँ पर लागू कीजिए, उसको चलाइए, फिर किसानों के सामने बताइए उसका रिजल्ट। अगर अच्छा होगा, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा, किसानों को फ़ायदा हो रहा है, उनकी आमदनी दुगनी तुगनी हो रही है, तो पूरे देश के किसान खुद ही कहेंगे भैया इस कानून को पूरे देश में लागू करो, आपको कहना ही नहीं पड़ेगा पहले आप, लेकिन उसके फायदे साबित कीजिए, एक प्रूफ लाइए, और इस पूरी समस्या का निदान कीजिए। प्रधानमंत्री जी, ये जो किसान बैठे हुए हैं 8 महीने से, इनकी समस्या का निदान कीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ मैं अनमोल प्रीतम, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।